भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने सीडीएस स्वर्गीय विपिन रावत समेत हादसे में मृत हुए सैन्य जवानों को बीजेपी कार्यालय में श्रद्धांजलि दी। इस दौरान बीजेपी के नेता कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा, यह देश के लिए अपूरणीय क्षति है। आज ये देश जनरल रावत जी को और मध्य प्रदेश के साथ उनका जो संबंध है कि मध्य प्रदेश के वो दामाद थे, एक हमारा नौजवान साथी अपने सीहोर जिले का, उनकी भी शहादत हुई है, तो मध्य प्रदेश, पूरा मध्य प्रदेश इस शोक की लहर में डूबा हुआ है। जनरल रावत जी को, सभी हमारे उन शहीद सैनिकों को भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश श्रद्धा के सुमन अर्पित करता है और साथ में मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके जो परिवारजन हैं जिनके ऊपर इतना बड़ा आघात उनके ऊपर हुआ है, पूरे देश के ऊपर हुआ है, तो पूरे देश के उन सब लोगों को संबल देने का काम भगवान करे। इन्हीं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ओम शांति, ओम शांति, ओम।